तारीख को हम लोग एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव कर रहे हैं, जिसमें देश भर से जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं उनके फाउंडर आ रहे हैं और एंजल इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। और इसके साथ साथ 11 तारीख को एक हम लोग इन्वेस्टर पिच करेंगे, जिसमें स्टार्टअप्स अपना प्रेजेंट करेंगे इन्वेस्टर के बीच में, ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें। और 2,40,00,000 का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सॉफ्ट कमिटमेंट्स आ गया है, जिसमें 45 लाख इसमें ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है पैसा। और सर कितने क्षेत्रों के स्टार्टअप भाग लेंगे इसमें? एग्री और टेक्नोलॉजी और सभी, करीब करीब सभी क्षेत्र, मेडिकल, सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप भाग लेंगे। आंकड़ा करीब करीब इसमें 650 से 650 के बीच में स्टार्टअप का भाग लेने की उम्मीद है। और इसमें से हम लोग ने जो रन किया था वो 793 स्टार्टअप्स आए थे बिजनेस प्लान कंपटीशन में, जिसमें से हम लोग ने 6 को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ के लिए सिलेक्ट किया है। और करीब करीब 55 स्टार्टअप इन्वेस्टर के सामने पिच करेंगे इक्विटी फंडिंग के लिए। भारत के किन किन राज्यों से आ रहे हैं ये? इसलिए बेसिकली ये फोकस था ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए, मगर इसमें महाराष्ट्र से भी आ रहे हैं लोग, और ज़्यादातर लेकिन ईस्टर्न पार्ट से ही आ रहे हैं। महाराष्ट्र से भी एक दो स्टार्टअप हैं, कुछ दिल्ली से भी हैं, लेकिन इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा ज़्यादातर फोकस्ड हैं ईस्टर्न पार्ट से, बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट। एक लास्ट सवाल सर, बिहार को क्या फ़ायदा? बिहार में एक इकोसिस्टम में आएगा, और करीब करीब इसमें जो 50 स्टार्टअप हैं उसमें तो 20 जो बिजनेस प्लान कंपटीशन में आए थे तो बिहार के ही स्टार्टअप हैं। और बिहार के 7 स्टार्टअप का फंडिंग जो हम अनाउंस कर रहे हैं, उसमें से 7 में से 3 तो बिहार के ही हैं, और उसमें से 2 फाउंडर भी बिहार से हैं। तो बिहार में इकोसिस्टम को मिलेगा, लोग इतने लोग आएंगे, इतने लोग समझेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करें स्टार्टअप में, तो इससे एम्प्लॉयमेंट की समस्या भी दूर होगी और ग्रोथ भी होगा। एक बार परिचय दीजिए। मैं आशीष रोहतगी हूँ, सेक्रेटरी जनरल बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।